भाइयों, यह है जयपुर की द्रव्यवती नदी, और इसमें जो ये नालों में से जो आ रहा है यह है जहरीला पानी। जो झाग दिखाई दे रहे हैं ये प्रदूषण है, जल प्रदूषण। मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, मानव का मलमूत्र खेती करने के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, वो तो एक देसी खाद का काम करते हैं। मगर जो गंदे पानी से हो रहा है, जो गंदा पानी खेती के लिए ज़्यादा नुकसानकारक नहीं है, नुकसानकारक है इस पानी में फैक्ट्रियों का तेजाब और केमिकल मिलना। जो फैक्ट्रियों का कपड़ा फैक्ट्री है उनमें कपड़ों का कलर, तेजाब, केमिकल उसको इसमें बहाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी शहरों में नदियां हैं वो अब नदियां नहीं रही, वो सब नाले हो गए। और ये पानी जब शहर के बाहर जाकर जब ये बाहर जाता है तो इसके दोनों किनारे खेती करने वाले किसान इनमें डीजल इंजन, मोटर वगैरह डालकर और इसी से सब्जी और खेती करते हैं, और उसी सब्जी को फिर शहर में सप्लाई करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कैंसर आदि आज हमें देखने को मिल रहे हैं। मलमूत्र, गंदा पानी खेती के लिए कोई नुकसानकारक नहीं, खाद का काम करता है, मगर गंदे पानी में ये फैक्ट्रियों का तेजाब और केमिकल जो मिलाया जा रहा है वह एक जहर का काम कर रहा है।